हाय गाइस, दिस इज़ शोएब इब्राहिम और आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम में। जिम जाना मुझे बहुत पसंद है। रोटी राइस कार्ब्स जो है मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। उनको फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, फिजिकली एंड मेंटली भी। खाना, रात का डिनर और सोने में कम से कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। ज़िंदगी है तो उसको खुल के जियो, अच्छे से जियो। हेलो, ओके, ठीक है। मेरा दिन शुरू होता है सुबह 6:30 बजे। उठते साथ मैं एक कभी हॉट वाटर लाइम ड्रॉप के साथ, थोड़ा सा उसमें टर्मरिक हल्दी मिला के, कभी ब्लैक कॉफ़ी में ले लेता हूँ कभी सारी चीज़ें। एंड देन फिर जो भी अपना डेली का रूटीन होता है वो फ्रेशन अप होके मैं सीधे आता हूँ सेट पे। और सेट पे यहाँ पे निकू मुझे मस्त सा एक ऑमलेट बना के और एक फ्रूट साथ में देता है। एंड देन फिर उसके बाद मैं मल्टीविटामिन्स लेता हूँ, देन लंच करता हूँ, एंड देन फिर शाम को 7 बजे के आसपास मैं 4-5 बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, एंड देन फिर वर्कआउट, प्रोटीन, स्लीप। ओके, टॉकिंग अबाउट वर्कआउट, दिस वन इज योर फेवरेट एक्सरसाइज? मुझे सब वर्कआउट पसंद है। जिम जाना मुझे बहुत पसंद है। बीच में किसी वजह से मैं नहीं जा पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी वापस मैंने फिर से स्टार्ट किया है, तो जिम में एंटर होके ही ना वो फील आता है कि हाँ वर्कआउट करना। और फिर सब मोस्टली मैं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा फंक्शनल मैं ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। एंड वो मुझे कार्डियो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, स्पेशली ट्रेडमिल पे वॉक करना, सारी चीज़ें करना, तो उसकी जगह मैं फंक्शनल करता हूँ, जिससे आपका ये स्वेट भी बहुत होता है, कैलोरीज भी अच्छी बर्न होती हैं, एंड मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी रहती है उससे। डाइट मैंने बहुत सारी डाइट फॉलो की हैं, और उस सब का मद्देनज़र में ये निकलता है कि भाई आप अपनी बॉडी को समझो, अपने बॉडी टाइप को समझो, आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। कोई भी डाइट करने से पहले, मैं हमेशा कई बार बोल चुका हूँ अपने ब्लॉग्स में, कोई भी डाइट करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं सारी, किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है, देन उस हिसाब से लें। मैं मोस्टली रोटी, राइस, कार्ब्स जो है मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। कार्ब्स अगर मैं लेता भी हूँ तो वो फ्रूट के फॉर्म में ले लेता हूँ कभी कभी कभार, मेरा मन करता है तो मैं ओट्स ले लेता हूँ मॉर्निंग में। बाकी मैं कार्ब्स को अवॉइड ही करता हूँ। यस, मीठा मैं अवॉइड करता हूँ, एंड देन प्रोटीन डाइट पे मोस्टली मैं रहता हूँ। हाँ, टिप्स क्या, सबसे पहले बोलता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो ये। मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं तो उनको भी बोलता रहता हूँ कि भाई क्या है यार, ऐसा नहीं होता, करो ये। वो बोलते हाँ भाई करूँगा, क्योंकि इंसान को फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, फिजिकली एंड मेंटली भी, एंड ऊपर से इंटरनली आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बाहर बॉडी है, अच्छी चीज़ें हैं तो आप अंदर से बहुत फिट हो, आपको इंटरनली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे वाइटल्स, यू नो, वो सारी चीज़ें बहुत बराबर से लेवल में, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो सही होगा जब आप, यू नो, हर 3-4 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहेंगे, चीज़ें अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहेंगे। मुझे करेक्ट है, वैसे भी रात में कहते हैं कि खाना, रात का डिनर और सोने में कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं भी अवॉइड ही करता हूँ। मैं शाम को यहाँ पे 7 बजे एग्स लेता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं प्रोटीन पीता हूँ रात में, वो अराउंड 11:30-12 हो ही जाता है। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि अपने मन को भी नहीं मानना चाहिए आपको, क्योंकि आप ज़िंदगी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी है तो उसको खुल के जियो, अच्छे से जियो। यस, आप अपनी डाइट भी फॉलो करो, और हम इस लाइन में हमें अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट यस, कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, और अगर कभी आपका मन करे तो आप थोड़ा सा खा भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं रात में मीठा ना खाऊँ, मैं रात में हैवी कार्ब्स ना लूँ, राइट, रोटी चावल ना लूँ मैं इस तरीके से। मैं चिकन कबाब या कभी सूप या कभी सैलेड वगैरह मन करता है तो, या मैं प्रोटीन से ही काम चला लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मुझे अपना फिटनेस प्रोग्राम चेंज करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि वक्त ही इतना मिलता नहीं है, दिन भर सेट पे इतनी मेहनत हो जाती है, तो मेरा ऑलमोस्ट आधा कार्डियो तो मेरा सेट पे ही हो जाता है, दिन भर चलते फिरते ये सारी चीज़ें, कैलोरीज बहुत बर्न हो जाती हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैं रात को 10:30 के आसपास पहुँचता हूँ जिम, वहाँ पर वर्कआउट करता हूँ, एंड देन फिर सारी चीज़ें। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ चेंज करना है। नॉर्मली जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं हर 15-20 डेज़ में अपना वर्कआउट रूटीन जो है वो हमेशा ही चेंज करता रहता हूँ, ताकि बॉडी भी एक तरह का वर्कआउट का, एक तरह की पैटर्न की यूज़ टू ना हो, तो वो चेंजेस चलते रहते हैं। पेनफुल एक्सरसाइज फॉर यू? पेनफुल एक्सरसाइज मुझे लेग्स जब करते हैं तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, आई एम श्योर सबको ऐसा लगता होगा। okay.
मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को चाह होनी चाहिए, जिस तरीके से वो खाने के लिए टाइम निकाल लेता है, जिस तरीके से वो घूमने के लिए टाइम निकाल लेता है, तो फिटनेस के लिए भी वैसे ही टाइम निकालना होना चाहिए। बीच में जैसे मैं जब भी शूट कर रहा होता हूँ, जब मैं शूट नहीं कर रहा होता तो टाइम ही टाइम होता है, मैं कभी मॉर्निंग चला गया, कभी इवनिंग चला गया, बट शूट के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मुझे घर से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो नौकरी कॉल टाइम मुझे 7:30 घर से निकलना पड़ता है, तो सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सुबह लगता है कि अगर एक घंटे की भी एक्स्ट्रा नींद मिल रही है ना तो वो ले लो। येस, बट यहाँ से पैकअप होने के बाद 9 बजे के आसपास पैकअप होता है, 10:30 के आसपास मैं जिम पहुँचता हूँ, तो वो उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। फिटनेस इंस्पिरेशन ऐसा कोई तो नहीं है, बट मुझे शाहरुख खान मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड मतलब इस 57 की एज में भी जिस अभी जो बेशरम में जिस तरीके से उन्होंने ना 8-10 पैक जो बॉडी बनाई है वो, एंड मुझे अनिल कपूर साहब मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा इंस्पायर करते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि इस एज में वो क्या फिट रखें ये आप सबको पता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इंसान को फिटनेस के लिए किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है नहीं, खुद को इंसान को खुद को ध्यान रखना चाहिए कि उसका कभी वेट जो है वो ओवरवेट नहीं जा रहा है, इंटरनली वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक उससे बेहतर इंस्पायर कोई हो नहीं सकता, इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकती, कि अपने आप को पहले स्वस्थ देखो, स्वस्थ रखो तो फिर सब बढ़िया है। योगा नहीं होता मुझसे क्योंकि मेरे अंदर इतने पेशेंस नहीं है योगा करने के, मैं वर्कआउट ही पसंद करता हूँ। नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, बट शुरू से शौक रहा है कि अच्छा दिखना है, अच्छा लगना है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो और मतलब और खौफ होता जाता है, प्रेशर होता जाता है कि नहीं नहीं अभी भी वैसे ही रहना है और करना है, तो आई थिंक ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, बट शुरू से शौक है कि खुद को फिट रखना है, तो वही है बस। टॉकिंग अबाउट चीट डेज, व्हेन एंड व्हाट टाइम यू डू चीट? चीट का तो देखो ऐसा है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ वीक में एक बार मैं चीट करता हूँ जब मैं दबा के खाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खाता हूँ, मैं मन करेगा तो बिरयानी भी, आइसक्रीम मैं खाता हूँ, मैं मुझे नेचुरल्स की मलाई एंड केसर पिस्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मैं 1 किलो आइसक्रीम अकेले खा जाता हूँ जब चीट डे मुझे करना होता है, तो ये मेरा चीट डे का है। कभी अम्मी पूछ लेती हैं बेटा कब खाएगा, कभी दीपिका पूछ लेती है कब खाने वाले हो, तो कभी वो बना देती है, कभी अम्मी बना देती हैं, तो वो सारे ऐसे चीट डे हो जाते हैं। हाँ मैं वो था, और उस टाइम अभी जस्ट रिसेंटली मैंने फिर से स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट किया है एंड देन जिम स्टार्ट किया है, तो सब रात में बैठ के कुल्फी खा रहे थे बेसिकली वो, और मैं नहीं खा रहा था उसको। यस, लास्टली अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे? फिटनेस का टिप्स यही है, टिप्स क्या, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, फिजिकली मेंटली दोनों, और आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं अपनी हेल्थ को समझ सकता है। अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहें, हर 3-4 महीने में बॉडी चेकअप कराते रहें, किस चीज़ की कमी है, वाइटल्स कमी है क्या है, उसकी देखभाल करते रहें, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।